गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम टू दिस जीपीए सेशन दैट इज गार्गेंचुअन पर्सनालिटी एडवांटेज. और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो गार्गेंचुअन पर्सनालिटी एडवांटेज, ये फ्लो चार्ट तो आपने बहुत बार देखा है. दिस वी हैव बीन शोइंग यू मेनी टाइम्स. इट टॉक्स अबाउट कि हम लोग कैसे नीचे सुपर स्पेशियल जोन से टोटल क्वालिटीज पीपल से लेके ग्रैन्युलर से लेके अभी गार्गेंचुअन पर्सनालिटी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं. गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस क्वोशेंट. Happiness quotient. In our life, we have heard about intelligent quotient, emotion quotient. Today, we'll be talking about happiness quotient. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आज के डेट में हम लोग कितने खुश हैं, कितने खुश इंसान हैं. Okay, मैं वो सेल्फी लेने के समय वाली खुशी की बात नहीं कर रहा हूं, 24 घंटे खुश रहने की बात कर रहा हूं. Because that is very much important. Okay. So happiness quotient is a very big subject. Let's see. The happiness quotient is a basic tool designed to help you understand how you feel about where you are at across the seven elements of your life. Guys, हमारे life के ना seven elements होते हैं. Seven elements. ये सेवन एलिमेंट्स में हम कहां हैं, वो सेवन एलिमेंट्स कौन है, क्या है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे. लेकिन वो सेवन एलिमेंट्स है क्या? सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट दो सेवन एलिमेंट्स ऑल्सो. एंड यस, प्राइमरी इट टॉक्स अबाउट व्हाट अ हैप्पी हेल्दी अबांडेंट सक्सेसफुल लविंग लाइफ मीन्स फॉर यू. आपके लिए खुश होना, हेल्दी होना, सक्सेसफुल होना कितना अहमियत रखता है. क्योंकि अल्टीमेटली हम खुश कब होते हैं? जब हम सक्सेस हमें मिलता है हम लोग खुश होते हैं, राइट? जब हम फाइनेंशियली अच्छा करते हैं, जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम खुश होते हैं. जब हमारे लोग हमारे साथ होते हैं तब हम लोग खुश होते हैं. सो हम लोग सेवन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हम 24 घंटे, यस माय डियर फ्रेंड आई एम टेलिंग यू 24 आवर्स हम लोग कैसे खुश रह पाएंगे. अर्चना जी, क्या लगता है 24 घंटा कुछ ज्यादा नहीं हो गया एक दिन में? 24 घंटा खुश, क्या ये रियली में पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं हो सकता है. 24 घंटे कोई खुश नहीं रह सकता है. ओके, 24 घंटे अर्चना जी कहती है कि 24 घंटे खुश नहीं रहा जा सकता. रिशिता, यस सर, रहा जा सकता है? जा सकता है डेफिनेटली. अरे वाह, तब तो फाइट होगा. सोनी जी क्या कहती है? सोनी जी, 24 घंटे अगर बर्थडे का दिन नहीं हुआ दिन भी थोड़ा तो नहीं, सोनी जी आपको भी लगता है, आपको भी लगता बीजी है रख सकते हैं खुद को हम बिजी रख सकते हैं, खुश नहीं रख. ओके ओके, बिमला जी आपको क्या लगता है 24 घंटे खुशी पॉसिबल नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं, 24 घंटे खुश नहीं रह सकते. ओके, या मानुषी, व्हाट डू यू थिंक? डिपेंड ऑन, प्रतिदिन 24 घंटा खुश থাকা যায় না, বাট হ্যাঁ থাকা যায়, না থাকার কিছু হয় না, থাকা যায়. Okay, guys, we are getting lot of answers. Anil ji, what do you want to say? Yes. Sir, खुशी रह सकता है. Oh, Anil ji का कहना है रह सकते हैं. अर्चना कुमारी, what do you think? Yes, sir, खुश रह सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो खुश रह सकते हैं. Okay, guys, कुछ लोग बोल रहे हैं खुश रह सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं खुश रह सकते हैं. तो आज का टॉपिक शायद आप लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस लाए. स्मृति, क्या कहना है आपका?
यस सर। हाँ मतलब 24 घंटे खुशी खुश रहा जा सकता है क्या? तो मुझे लगता है अगर आप अपनी पर्सनालिटी से सेटिस्फाइड हो तो आप खुश रहोगे, अदरवाइज नहीं रहोगे। मतलब जो लोग खुश नहीं रहते उनको कहीं ना कहीं एक अपने अंदर कमी होती है उनके अंदर, तभी वो खुश नहीं रहते या फिर वो अपने काम। मतलब अगर चाहे तो हो सकता है। या डेफिनेटली चाहे तो हो सकता है। ओके, हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट ourselves. If you are not dependent on others, then we can have. Okay. Abhishek? नहीं सर। अभिषेक ने तो एकदम मतलब एकदम बिंदास बोल दिया। नहीं सर, मतलब पागल। यस, और कोई बोलना चाहता है कुछ? ओके, लेट्स गो अहेड। हु डजंट लुक फॉर सक्सेस? सबको सक्सेस चाहिए, आज नहीं तो कल सबको सक्सेस चाहिए। सब लोग उसी के लिए, आज आप लोग भी यहाँ पे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी सक्सेस चाहिए। बट यू नो, बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट द की टू सक्सेस इज हैप्पीनेस। अगर सक्सेस मिलने के बाद हम लोग खुश ही नहीं हुए तो ऐसी सक्सेस की तो कोई बात ही नहीं करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुशी। अगर आप खुश हो तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आप सक्सेसफुल हो, जरूरी नहीं कि आप खुश हो। ये चीज तो सबसे पहले आप लोग जान लो। मैंने बहुत सक्सेसफुल लोगों को भी दुखी देखा है, इसीलिए आप अगर खुश हो तो आप अपने को सक्सेसफुल मान सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप जैसे बोला जे वैसा भी कोई लोग होता जो सक्सेसफुल है लेकिन खुश नहीं है, तो हम वैसा भी लोग देखते हैं जो हैप्पी है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, तो हम उसको क्या लेंगे? ऐसा होगा ही नहीं। अगर आप खुश हो तो जरूर आप सक्सेसफुल हो और उसमें बहुत सारी बातें जरूर होंगी। Okay. अगर आप खुश हो, एंजॉय कर रहे हो तो जरूर आप सक्सेसफुल हो। कुछ ना कुछ आपने किया है अपने लाइफ में। अपने इमोशन को मैनेज करके खुशी के इमोशन में ला दिया, ये इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? एक सक्सेसफुल इंसान भी कभी कभी खुश नहीं हो पाता और एक नॉर्मल इंसान सोच लिया बस मेरे को तो बस खुश होना है चाहे जो भी हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। दिस इज अ बिग थिंग। देयर इज अ लाइन कॉल्ड बी हैप्पी फॉर नो डैम रीजन। बी हैप्पी फॉर नो डैम रीजन। बिना किसी रीजन के खुश होना सीखिए। हम लोग को ना रीजंस की आदत है, कुछ अच्छा हो तब ना खुश हो, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं तो मैं खुश क्यों हूं। तो बात करेंगे उसको लेके आज, बहुत सारी बातें करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट सर। यस हाँ, बहुत ऐसा होता है कि भीतर से दुखी होते हैं पर वो फॉर्मेलिटी के लिए खुश दिखाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। मैं फॉर्मेलिटी के लिए खुश दिखाते हैं जी, नहीं मैं उसको खुशी नहीं मानता। खुशी तो एक फीलिंग है, वो फॉर्मेलिटी। हाँ, वो लोगों को दिखाने वाला खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर से फील होने वाली खुशी की बात कर रहा हूँ। जब अंदर से फीलिंग होगी तभी हैप्पीनेस होगा। एब्सोल्युटली, खुशी तो एक इंटरनल इमोशन है। यस एब्सोल्युटली। ओके, पीपल विद जीपीए गार्गेंचुअन पर्सनालिटी एडवांटेज जिनके पास है ना, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं सक्सेसफुल लाइफ इंटीग्रेशन में। सक्सेसफुल लाइफ इंटीग्रेशन इसका मतलब क्या है? सक्सेसफुल लाइफ इंटीग्रेशन का मतलब है, थोड़ी देर पहले हमने सेवन एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया कि व्हाट इज सेवन एलिमेंट्स। सो वो जो सक्सेसफुल लाइफ इंटीग्रेशन है ना, ये सक्सेसफुल लाइफ इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब ये सेवन एलिमेंट्स हमारे लाइफ में हो। तो क्या है ये सेवन एलिमेंट्स, अच्छे से देखिए क्या है ये सेवन एलिमेंट्स। अगर आपके लाइफ में है देन आप जरूर खुश रहोगे। सबसे पहली की बात है, एक विजन होना चाहिए आपके लाइफ में। आपके लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए कि आप क्यों जी रहे हो भाई, क्या करना है आपको, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ। कभी सोचिए कि व्हाट इज माय पर्पस, मेरा जन्म क्यों हुआ है भाई, कुछ करने के लिए हुआ है, व्हाट इज माय पर्पस। क्योंकि आपका पर्पस आपको खुशी देगा।
तो अगर कोई इंसान खुश नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उसके पास पर्पस नहीं है, उसके पास एक विजन नहीं है, इस बात पे गौर फरमाइए। वर्क एंड करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। हमारे पास एक करियर होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए जिसको करते वक्त मुझे खुशी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ काम ही नहीं, काम से पैसे भी आने चाहिए, बिकॉज काम कर रहा हूं लेकिन पैसे नहीं आ रहे, हमारे फाइनेंसेस डाउन है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम खुश नहीं रह सकते। हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज रोटी कपड़ा और मकान, जिसके लिए पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो फाइनेंसेस नहीं रहेगा, फाइनेंसेस नहीं रहेगा तो खुशी नहीं आएगी। फिटनेस, बहुत लोग ये मानते नहीं, लेकिन आपका, आप अगर फिट रहोगे ना तो आप खुश रहोगे। आप में से सोचिए ना, आप लोगों में कितने लोग हैं जो अपने फिटनेस के लिए काम करते हैं, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग अपने डाइट कंट्रोल करते हैं, कितने लोग बाहर जाके रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थिंक अबाउट इट। और हम बोलते हैं कि खुश नहीं रह सकते 24 घंटे। आज कुछ सवाल हमें आपसे करनी है, उस सवाल के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि वो सवाल आपको बताएगी कि क्यों हम 24 घंटे खुश रहते हैं, रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। सारा आंसर आपको मिलेगा आज। आपकी फैमिली, बहुत लोगों के पास काम है, पैसा है, लेकिन उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, दैट आवर फैमिली शुड बी देयर विद अस, बिकॉज दैट मेक्स अस हैप्पी। फ्रेंड्स, अपने दोस्त यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सक्सेस तो मिल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन फैमिली भी है हमारे साथ, फिट भी हूं मैं, लेकिन अपनी खुशी बांटने के लिए ना, और अपने सीक्रेट्स को शेयर करने के लिए हमें दोस्त भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज फन एंड फुलफिलमेंट। मजा करना है लाइफ में, मजे करने हैं लाइफ में। अगर मजे नहीं होंगे ना तो हम लोग खुश नहीं रहेंगे। मजे होने चाहिए। बहुत लोग के पास सब कुछ है लेकिन मजा नहीं करते वो लोग, बस पैसा जमा कर रहे हैं। दोस्त है, यार है, फ्रेंड्स हैं, सब है, फिट भी हूं, लेकिन मजा नहीं कर रहे हैं लाइफ को, जिंदगी को जी नहीं रहे हैं। सो गाइस, जिंदगी को जीना भी तो है, तो उस बारे में आज बात करेंगे हम। किसी को कुछ पूछना है तो गाइस, ये है 7 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। कोई इंसान अगर पैसा कमा रहा है, मत सोचना कि वो सक्सेसफुल है। कोई इंसान पैसा है, फैमिली है, जरूरी नहीं कि वो, हो सकता है उसके पास पैसा है, एक मकान है, गाड़ी है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया है कि उसको कैंसर है, वो मरने वाला है, वो इंसान खुश नहीं रहेगा। वो जितना कमाया है ना, जितना पैसा, वो सारा पैसा वो अपने हेल्थ पे लगाएगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा, और वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ये जो हेल्थ है ना, इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते, और ये हेल्थ ही सब कुछ है। आपके पास आज कोई हेल्थ को लेके बात ही नहीं करता। आप ही सोचो ना, आप हेल्थ को लेके कब बात किए थे, लास्ट कब एक्सरसाइज किए थे, सोचिए। हो सकता है आप लोग में बहुत लोग करते होंगे, मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूं, आप लोग में बहुत लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन डेली काम करते हो, घर का काम हो या बाहर का काम हो, डेली करते हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। थिंक अबाउट इट, हेल्थ आपके सामने अगर ऊपर वाला आए और आपको बोले हेल्थ आपको, आपको जीवन चाहिए कि 100 करोड़ रुपए चाहिए, आपको जीवन चाहिए कि 100 करोड़ रुपए चाहिए, सोचो क्या बोलोगे आप। थिंक अबाउट इट ऋषिता, 100 करोड़ बहुत होता है। Yes, sir. 100 crores, लेकिन आपका जीवन मेरे को दे दीजिए आप। सर तब वो 100 crores कौन लेगा सर? आपकी फैमिली लेगी, आपका फैमिली एंजॉय करेगी। कितने सेल्फिश हो गए तुम ऋषिता, अपनी फैमिली की खुशी के लिए तुम अपना जीवन नहीं दे सकते।
नहीं सर, मेरा जीवन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पता चला ना जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, जीवन इम्पोर्टेंट है तो हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ को ही हम लोग ना लास्ट में रखते हैं। थिंक अबाउट इट। ओके गाइस, ये जो लोग के पिक्चर्स आप देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल लैकिंग सम ऑफ दीज सेवन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। कुछ लोग हैं जिनके पास ना ये जो सेवन एलिमेंट्स के बारे में हमने बात किया अभी, ये सेवन एलिमेंट्स में हो सकता है कुछ लोगों के पास इस सात में से चार में वो सक्सेसफुल हैं, बाकी तीन उनके पास नहीं है। हो सकता है किसी के पास तीन है चार नहीं है। सो कुछ कुछ है कुछ कुछ नहीं है। तो उनके लाइफ में ना वो लोग को हम लोग बोलते हैं स्लाइटली हैप्पी एंड बिलो एवरेज हैप्पी पीपल। लोग जिनके पास ये सेवन एलिमेंट्स नहीं है ना, वो लोग स्लाइटली हैप्पी होते हैं। स्लाइटली हैप्पी और बिलो एवरेज हैप्पी मतलब कभी कभार वो लोग खुश होते हैं। आप लोग सोचो कहीं इनमें से आप लोग तो नहीं जो कभी कभार आप लोग खुश होते हो। थिंक अबाउट दैट। सो मोस्ट ऑफ द पीपल लैकिंग सम ऑफ दीज सेवन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ आर स्लाइटली हैप्पी एंड बिलो एवरेज हैप्पी पीपल। कुछ लोग हैं, फ्यू पीपल अनफॉर्चुनेटली लैक मैक्सिमम ऑफ दीज सेवन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। कुछ लोग हैं जो ज्यादातर सात में से हो सकता है छह नहीं है, सिर्फ एक ही है, फैमिली है और कोई दोस्त नहीं है, यार नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये सेवन एलिमेंट्स में सिर्फ एक है उसके पास, वो इंसान कैसे खुश रहेगा? They are sad and depressed. They are sad and depressed people. तो आप लोग सोचो, आप लोग में जिन्होंने भी बोला कि हम 24 घंटे खुश नहीं रह सकते, इसका मतलब है कि आपके वो सात एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सातों एलिमेंट के ऊपर काम करेंगे तो हम 24 घंटे खुश हो सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर सातों एलिमेंट में हम कैसे काम करें? भाई खुशी के लिए तो करना पड़ेगा। आप लोग घर में पैसा कमाने के लिए बाहर काम करते हो, धूप में काम करते हो, बारिश में काम करते हो, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो बहुत लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेहनत कौन नहीं कर रहा है? तो थोड़ी मेहनत अपने को खुश करने के लिए क्यों ना करो। थिंक अबाउट इट, बी हैप्पी फॉर हैप्पीनेस। वही तो इंसान, वही तो इम्पोर्टेंट है। हमारे पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं ना कि बड़े होके क्या बनोगे। सबसे पहले तो उनको बोलना चाहिए बड़े होके सबसे खुश इंसान बनना, क्योंकि इंजीनियर्स तो बहुत लोग बनते हैं लेकिन खुश इंजीनियर्स बहुत कम होते हैं। थिंक अबाउट इट, खुशी अल्टीमेटली तो सबको खुशी चाहिए बॉस। जब मरने जाएंगे, जब चिता में जाने के एक दो दिन पहले, मतलब जब मरने के बेड में रहेंगे, तब खुशी खुशी मर सके कि चलो भाई लाइफ अच्छा था, मजा आया, बहुत मजा आया। या दिमाग में रहेगा कि यार ये करना था वो करना था, कुछ भी नहीं कर पाया। थिंक अबाउट इट। इसीलिए जो भी करने का मन है ना कर दो, वेट मत करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास यू नो मैक्सिमम सेवन एलिमेंट्स के मैक्सिमम होते हैं, और देखा गया है कि उनके पास ये गार्गेंचुअन एडवांटेज, पर्सनालिटी एडवांटेज उनके पास होता है। सेवन एलिमेंट्स उनके पास होते हैं, उनको बोला जाता है मोस्टली हैप्पी एंड हाईली हैप्पी पीपल। मोस्टली हैप्पी एंड हाईली हैप्पी पीपल। अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि फिर मैं क्या हूं, मोस्टली हैप्पी हूं, हाईली हैप्पी हूं, एवरेजली हैप्पी हूं, या स्लाइटली हैप्पी हूं, या सैड हूं, या डिप्रेस्ड हूं। हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा है। बस और कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि आप कहां हो।
लेकिन सिर्फ वो पता होने से नहीं चलेगा, आपको उस पर काम करना है ताकि आप मोस्टली हैप्पी में आ सको, क्योंकि अल्टीमेटली तो बॉस खुशी चाहिए यार। सुष्मिता खुशी चाहिए ना? यस सर। आपको क्या लगता है 24 घंटा हम खुश हो सकते हैं कि नहीं? यस सर एब्सोल्युटली हो सकता है। अभी 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 ना वो मजबूरी में पड़ गया, उसको यस बोलना ही है। नहीं सर ऐसा एकदम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। देखो जो हो सकता है बोल रहा है ना वो तो डेफिनेटली होगा, और जो लोग पहले से सोच के बैठे हुए ना यहाँ पे, नहीं हो सकता सर, तो सोचो वो जब नहीं हो सकता है बोल रहा है तब भी वो दुखी होके ही बोल रहा है। अगर वो उस समय भी खुशी होके बोले, थोड़ा सोचे कि हाँ सर हो सकता है, वो हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहा है। हम लोग हैप्पीनेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जिस वक्त बोलोगे ना हाँ सर डेफिनेटली हो सकता है, आप देखना उसी वक्त खुश हो जाओगे। मतलब खुशी हमारी चुटकी में है, वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट। हमेशा हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने आप को, एम आई रियली हैप्पी? ओके, आज हम लोग हर चीज को लेके बात करेंगे। सो गाइज एकदम रेडी हो जाओ, आज आप लोगों का हैप्पीनेस क्वोशंट निकाला जाएगा। ठीक है, आप कितने खुश हो कितने ना खुश हो आज आपको पता चलेगा। सो गेट रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन, आज बहुत सवालें आएंगी आपकी तरफ और आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा आप लोगों अच्छे से सुनो अभी, हाँ आप लोगों का जो जवाब होगा, सवाल लिखना मत, पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा तो सवाल आपके पास बाद में आ ही जाएगा। अभी जब आप सवालों को देखोगे तो सवाल का बस नंबर लिख लेना, एक नंबर, और उसका जो आंसर होगा वो होगा ए या बी या सी या डी या ई। आपका आंसर आपको बस लिखना है। ए का मतलब है एवरी टाइम, मतलब हमेशा। बी का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादातर समय। Sometimes मतलब हाँ कभी कभी। डी मतलब रेयरली, मतलब बहुत कम ऐसा होता है। और ई मतलब कभी नहीं होता ऐसा। जो भी मैं बोलूंगा उसका आंसर आपका ए बी सी डी या ई में होना चाहिए। तो गाइज आर यू ऑल रेडी? यस सर। एक जीवन का एक नया पन्ना खुलने वाला है आज, आज आपको आपके बारे में पता चलने वाला है। अच्छा एकदम जेन्युइन होके आंसर देना, ठीक है, जो होता है आपके साथ वही आंसर देना, अदरवाइज इधर उधर गलत हो जाएगा। ऋषिता से पूछना मत, या ऋषिता आप अर्चना से पूछना मत, अर्चना आप अभिषेक से पूछना मत, ये आपकी खुशी की बात है, दूसरों की खुशी की बात नहीं हो रही है। सो प्लीज इसमें कोई चीटिंग अलाउड नहीं है। और आप लोग का तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना, वहां पे मैं ए लिख रही हूँ मैं बी लिख रही हूँ ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये दिमाग में रखना। ओके आई मेरे को सच में जानना है इस व्हाट्सएप ग्रुप में है कौन कौन। ओके सो गाइज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। You do exercise to tone your body and eat as per your diet. आप every day exercise करते हो और आप खाना जब खाते हो तो एकदम diet maintain करके खाना खाते हो, ये दो चीजें आप करते हो। A मतलब हमेशा करते हो, B मतलब ज्यादातर आप ऐसा ही करते हो, सी मतलब कभी कभी करते हो, डी मतलब रेयरली करते हो बहुत ही कम करते हो, और ई मतलब है कि कभी नहीं करते। एकदम जेन्युइनली आंसर देना, आंसर बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ मानुषी बोलिए। सर यू डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज प्रतिदिन हो है बट डाइट अनुसार खाई। ओके सो गाइज अगर सोचो मैं एक्सरसाइज डेली कर रहा हूँ और मैं डाइट नहीं करता, तो आपको एक मिडिल पॉइंट में आना पड़ेगा। okay. आप उस समय, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बहुत इफेक्टिव है, एक्सरसाइज एंड डाइट। गाइस आप अगर फिट रहोगे ना तो आप खुश रहोगे,
आप फिट रहोगे तो आप हमेशा आपको एक खुशी महसूस होगी। सो अगर आपको लग रहा है कि एक में ए है एक में सी है तो उसको एक मिडिल पॉइंट में आपको लाना पड़ेगा। आप उस समय एवरी टाइम नहीं लिख सकते, सो यू हैव टू डाउन योर आंसर। दोनों एक साथ आप कितना बार करते हो ये सोचो, अकेले अकेले मत सोचो। एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल एक साथ आप कितना करते हो? आंसर हो गया तो थम्स अप दिखाना, सो आई कैन गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक एवरीवन हैज रिटन डाउन द आंसर, वेरी गुड। ओके, नंबर टू, यू लव योर जॉब एंड वेरी मच कंटेंट विथ योर प्रोफेशनल करियर। हमेशा मतलब यहाँ पे जो जॉब करते हैं वो जॉब के हिसाब से लिखेंगे, जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज के हिसाब से लिखेंगे कि आप अपने कॉलेज की पढ़ाई में बहुत बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, और जो लोग घर पे हैं तो घर के काम करने में आपको बहुत खुशी आती है, तो आपका जॉब हो जाएगा घर का काम। सो आप लोग जो भी काम करते हो वो घर पे हो या ऑफिस में हो, उसमें आपको बहुत बहुत खुश आप होते हो उस समय। यू लव योर वर्क एंड यू आर सुपर सेटिस्फाइड विथ योर करियर। ए, एवरी टाइम आप ऐसा ही सोचते हो कि आप खुश रहो हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स, रेयरली या नेवर। आई बिलीव कि सबका आंसर ऑलरेडी हो गया है। किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझे स्टॉप करेगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको सोचना पड़ेगा। अभिषेक, आर यू राइटिंग द आंसर्स? ओके गाइस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू डू सेल्फ टॉक एंड लेट योर इनर सेल्फ गाइड यू। आप अपने आप से बात करते हो और अपने आप को गाइड करते हो। गाइज, मैं अपने आप से सोचने का बात नहीं कर रहा हूं, बात करने का बात कर रहा हूं। आई टॉक टू माई सेल्फ, मन ही मन में बात करने की बात नहीं कर रहा हूं, मुंह से बात करने बोल रहा हूं। जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, मैं अकेले हूं सपोज। हाय सुभाष, हाउ आर यू, आज कैसा चल रहा है? हाँ, आज का दिन, आज क्लास में मैंने आज हैप्पी क्वेश्चन के बारे में बात किया, अच्छा था क्लास, क्लास और अच्छा हो सकता था। सो आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं सोच नहीं रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो क्या आप अपने आप से बात करते हो और अपने आप को गाइड करते हो? आपका आंसर एवरी टाइम, हमेशा करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर करते हैं, समटाइम्स, कभी कभी करते हैं, बहुत रेयरली करते हैं, एकदम नहीं करते। अपने से क्यों बात करें भाई, एकदम नहीं करते। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आप लिख लीजिए। गाइस, आज हम लोग अच्छे हैं बुरे हैं ये सब का क्लास, आज का टेस्ट नहीं है, हम लोग कितने खुश हैं उसकी बात हो रही है। और हर एक क्वेश्चन में आपका आंसर है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में ही आंसर है। यू लाफ एंड स्माइल अ लॉट इवन विदाउट रीजंस। आप बहुत ज्यादा हंसते हो, आप बहुत ज्यादा स्माइल करते हो, चाहे कोई रीजन हो या ना हो, आप मस्ती से अपने लाइफ को जीते हो हमेशा। हाँ, ज्यादातर, कभी कभी, बहुत कम, एकदम नहीं। नहीं, विदाउट रीजन कोई हंसता है क्या? So, हमेशा आप बहुत खुश रहते हो, स्माइल करते हो। आपका आंसर एकदम जेन्युइन देना, जो हो वही वही देना। ओके, लेट्स गो अहेड। यू कैन कंट्रोल योर एंगर और एनी नेगेटिव इमोशन। आप जब गुस्सा होते हो या जेलसी होती है तो आप अपने आप को मैनेज कर लेते हो, ऐसा होता है हमेशा, ज्यादातर समय, कभी कभी। जब भी आप गुस्सा होते हो तो आप खुद को काफी इजीली मैनेज कर लेते हो।
वो गुस्सा भी हो सकता है, जेलसी भी हो सकती है, किसी के ऊपर बदला लेना है वो भी हो सकता है, तो ये सब नेगेटिव इमोशन है। तो आप अपने नेगेटिव इमोशन को मैनेज कर पाते हो कि नहीं? ओके, आई थिंक आंसर हैज बीन ऑलरेडी डन बाय यू, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। People in general like you and like your company also. लोग ज्यादातर आपको पसंद करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी कंपनी को पसंद करते हैं। क्या लग रहा है अभिषेक, लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी कंपनी को पसंद, मतलब आपका प्रेजेंस को पसंद करते हैं, ऐसा लगता है आपको? Most of the time, okay. अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो अपना आंसर आप लोग लिखे, कैसा होता है ज्यादातर समय आपके साथ। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू गेट द सुपर पावर वेन एवर यू कम अक्रॉस एनी फियरफुल और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। जब भी आपके सामने बहुत मुश्किल आती है ना, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है, आपको भी लगता है कि आप भी बहुत पावरफुल हो गए हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? तो जितना प्रॉब्लम बड़ा होता है आप भी बड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि प्रॉब्लम के समय एक सुपर पावर आ जाता है आपके पास और आपको एक शक्ति देता है कि आप उस प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। ये क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आपको लगता है, देखिए हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको, आपके पास सुपर पावर आ जाता है, मतलब महाशक्ति आ जाती है जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, तो ऐसा क्या हमेशा होता है या ज्यादातर होता है या कभी कभी होता है या बहुत कम ऐसा होता है या एकदम ऐसा नहीं होता, मतलब आपके पास पावर हमेशा आता है या ज्यादातर आता है या कभी कभी आता है, ये आपको आंसर देना है। ये कोई प्रॉब्लम होने पे, हाँ, मतलब जब कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो आप भी बहुत बड़े शक्तिशाली हो जाते हो मेंटली और फिजिकली। सोचिए इस बात को, अच्छे से सोच के आंसर दीजिए, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। गलत आंसर आपका स्कोर गलत ला देगा। Okay, problem, let's go to that. Any problem, sir? Okay, guys, let's go ahead. You manage your stress very well. हर इंसान को ना थोड़ा सा प्रेशर होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है लाइफ में, लेकिन आप अपने स्ट्रेस को काफी इजिली मैनेज कर लेते हो। स्ट्रेस होता ही है, एक चिंता होता है कि क्या होगा आगे जाके, तो जैसे होता है वो नॉर्मल है, लेकिन आप अपने आप को काफी आसानी से मैनेज कर लेते हो, वो स्ट्रेस को दिमाग में टेंशन में कन्वर्ट नहीं करते हो। एक स्ट्रेस होता है कभी कभी, हाँ कल एग्जाम है या कल कहीं कुछ करना है या लाइफ में कुछ छोटा एक प्रॉब्लम है, तो एक आता है लेकिन आप मैनेज कर लेते हो। हमेशा मैनेज कर पाते हो या ज्यादातर मैनेज कर पाते हो या कभी कभी मैनेज कर पाते हो, जो भी है आंसर सही सही देना। ओके, लेट्स सी। You are always open to new ideas, concepts, and adapt easily to changing circumstances. इस चीज को अच्छे से समझिए। आपको जो भी चीज नया दिखता है आप काफी easily उसे accept कर लेते हो। कोई भी चीज जो नया है आप बहुत जल्दी, मैंने आप सपोज कुछ भी चीज, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं पेरेंट हूं तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा जो बच्चा होगा वो जब बाल काटेगा ना तो एकदम शरीफ लगना चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा बाहर गया सलून में जाके एक स्टाइलिश कट करके आ गया, तो मेरे हिसाब से तो वो नहीं है, वो मेरे लिए एक नया है जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसके लिए तो वो नया है, उसके लिए वो जो हेयर कट है वो एक नया स्टाइल है, लेकिन मेरे लिए तो मुझे पसंद नहीं है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या मैं हर नए चीज जो मेरे लाइफ में होता है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं, वो कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, सो ये जो
अलग सिचुएशन होता है ना, हमने सोचा कुछ और हुआ कुछ, ये जो कुछ अलग हो रहा है क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं? हाँ हमेशा कर लेते हैं, नहीं ज्यादातर कर ही लेते हैं, कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी कभी एक्सेप्ट नहीं होता है। तो थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है, कोई भी चीज अगर नया हो जो आपके हिसाब से नहीं होता है तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पाते हो? तो क्वेश्चन है हाँ मैं कर पाता हूं, आंसर है हमेशा, ज्यादातर, कभी कभी, बहुत कम, बिल्कुल नहीं। आई थिंक द आंसर हैज बीन डन। आप लोग ना आंसर के बाद एक थम्स अप दिखा दीजिएगा मेरे, तो मेरे को लगे कि हाँ आप लोग सब कुछ सुन रहे हो। Okay guys, let's go for the new one. Number 10. You compete with your last performance, not with your fellow colleagues. आप कभी भी अपना compare किसी दूसरे इंसान से नहीं करते हो कि वो मेरे से ज्यादा सुंदर है, वो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, वो मेरे से ज्यादा रिच है। आप हमेशा अपना compare अपने से करते हो कि मैं पहले कैसी थी, मैं आज कैसी हूँ। मैं एक दिन पहले कैसा था, आज कैसा हूं, मेरे पास पैसे पहले कितने थे, आज कितने हैं। आप अपने साथ, क्वेश्चन है, मैं अपने साथ अपना कंपेयर करता हूं, मैं अपने साथ अपना कंपटीशन करता हूं, मैं किसी और के बारे में नहीं सोचता। ऐसा हमेशा होता है, कभी कभी, बहुत ज्यादातर ऐसा ही होता है, या कभी कभी आप दूसरे के बारे में बोल देते हो, कंपेयर करना। अनिल जी आर यू राइटिंग? यस सर, यस सर राइटिंग। ओके ओके ओके, कोई मिस ना हो जाए। नीली निशा जी आर यू गाइस, आर यू राइटिंग और नॉट? यस सर आई एम राइटिंग। ओके ओके चलो गुड। यार रेन इज पोरिंग सो आई एम कीपिंग कैमरा ऑफ। Okay, okay, no problem at all. Your life is a great adventure and so much of fun. आपका life मजेदार है। आपको लगता है कि मेरा life मजेदार है। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें घटती रहती है। क्या आपको ऐसा लगता है? हमेशा लगता है? ज्यादातर लगता है? कभी कभी लगता है? या बहुत कम लगता है? या बिल्कुल नहीं लगता? My life is a great adventure and so much of fun. बहुत मजेदार लाइफ है मेरा। ऐसा लगता है क्या आपको? यार रिशिता लगता है क्या? कभी कभी सर। कभी कभी। ओके बाद में होगा गाना, अभी है जाना। ओके यू फील यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, गुड लक ऑलवेज फेवर्स यू। आपको लगता है आप बहुत लकी इंसान, हमेशा आपके लाइफ में ना कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। बहुत लकी इंसान हूं मैं, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो कभी कभी अगर कुछ बुरा हो जाता है तब तो हमारे दिमाग में वो नेगेटिविटी आ जाता है ना, तो उसके साथ क्या रिलेट करे? अदरवाइज Sometimes तो लगता ही है कि हाँ लकी है। आपको क्या लगता है, अभी आपको क्या लग रहा है, आपके लाइफ में आप एक लकी इंसान हो या नहीं? हमेशा आपको लगता है कि आप लकी हो, कि ज्यादातर लगता है, या कभी कभी लगता है आप लकी हो? आपको लकी कितना लगता है, हमेशा लगता है या ज्यादातर लगता है या कभी कभी लगता है या बिल्कुल कम लगता है या बिल्कुल नहीं लगता? या सबरीन व्हाट डू यू थिंक, आर यू अ लकी गर्ल? Really? Oh my God! This is not. Sir, हर time मैं फंस जाती हूँ। नहीं, फंस जाना अगर वो अलग चीज़ है, फंस जाती हूँ, लेकिन मैं निकल भी आती हूँ, तो that is okay. किसके लाइफ में कौन नहीं फंसता? आपको क्या लगता है यहाँ पे जो शक्लें आपको दिख रहा है हंसते हंसते, आप खुद हंस रही हो, तो
कौन नहीं फंसता, हम लोग सब फंसते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हम लकी हैं और हमारा लाइफ बहुत अच्छा है. थिंक अबाउट इट. रेयर देने से पहले सोच लेना, क्योंकि ऐसा क्या हमेशा होता है आपके साथ. रेयर बट स्टिल थिंक अबाउट इट. ओके गाइज, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू फील द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, पीपल आर सुपर ब्यूटिफुल, इवन यू वर हर्ट और प्रूवन रॉन्ग बिफोर. आपको लगता है लाइफ ऑसम है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के. हो सकता है कि वही लोग ने आपको धोखा भी दिया होगा, लेकिन फिर भी आपको कभी नहीं लगता कि लोग बुरे हैं. आपको आज भी लगता है कि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आज. ऐसा हमेशा लगता है या ज्यादातर लगता है या कभी कभी लगता है? अच्छे से क्वेश्चन को समझो. I feel that world बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लोग भी बहुत खूबसूरत हैं. हो सकता है कि मुझे प्रॉब्लम हुआ है, लोग ने मुझे चीट किया है, फिर भी मुझे लगता है कि लोग बहुत अच्छे होते हैं. ऐसा हमेशा लगता है या ज्यादातर लगता है या कभी कभी लगता है? या अर्चना कुमारी जी, आपको कभी कभी लगता है या हमेशा अच्छे अच्छा ही लगता है लोग? नहीं सर, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लगता है कि लोग अच्छे ही हैं. लोग अच्छे ही हैं, लोग अच्छे हैं, इसीलिए दुनिया अच्छी चल रही है और इसीलिए सब लोग खुश हैं. हाँ. ठीक है, नहीं आप लोग अपना आंसर करना, आपको क्या लगता है, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता. ओके गाइज, नेक्स्ट. यू स्लीप वेरी वेल एट नाइट एंड वेक अप रिफ्रेश्ड. आपको नींद बहुत अच्छी आती है रात में, और सुबह जब उठते हो तो आप बहुत रिफ्रेश लगते हो. या सोनी जी, रात में नींद अच्छी आती है? आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर, यस सर, बहुत अच्छी से नींद आती है. और सुबह जब उठते हो तो लगता है कि वाह, गुड मॉर्निंग. You usually focus on try me God rather than why me God and always talk about solution. दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं. एक टाइप के इंसान बोलते हैं वाई मी गॉड, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. और कुछ लोग बोलते हैं ट्राई मी गॉड, करो और दुख दो, मैं उस दुख से भी आगे चला जाऊंगा. अच्छा लगता है जब भी कोई दुख आता है, हम अपने को और आगे पाते हैं. तो आप ट्राई मी गॉड में बिलीव रखते हो कि वाई मी गॉड में बिलीव रखते हो? वाई मी मतलब क्यों हुआ मेरे साथ, ट्राई मी मतलब क्यों नहीं भगवान, फिर से दो प्रॉब्लम. आप प्रॉब्लम देते हो तो उस पे काम करते हैं तो और आगे आ जाते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझो. मैं फोकस करता हूँ ट्राई मी गॉड में, वाई मी गॉड में नहीं करता हूँ, और हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचता हूँ. ऑफ कोर्स ना, जो ट्राई मी गॉड के बारे में सोचेगा तो वो हमेशा सॉल्यूशन ही सोचेगा. तो क्या आप ऐसा सोचते हो हमेशा, या ज्यादातर, या कभी कभी, या रेयर? सोच के आंसर दें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर एक बार रिपीट करिए सर. मैंने कहा कि दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं. एक टाइप होता है जो लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों प्रॉब्लम होता है. तो वो लोग ना वाई मी गॉड बोलते हैं, वाई मी गॉड. और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ट्राई मी गॉड, ट्राई मी गॉड. आपने लास्ट टाइम जब प्रॉब्लम दिया था, मैंने लड़ा था, मैं रोई भी थी, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को और बेटर जगह में देखा. इसका मतलब है कि प्रॉब्लम मतलब है कि अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी मतलब सोल्यूशन, और सोल्यूशन मतलब सक्सेस, सक्सेस मतलब खुशी. तो यहाँ पे बात हो रहा है कि मैं ट्राई मी गॉड में बिलीव करता हूं या करती हूं. सो
हमेशा आप प्राइमरी गॉड में बिलीव करती हैं या ज्यादातर करती हैं या कभी कभी करती हैं या रेयरली करती हैं या बिल्कुल नहीं करती? दिस इज योर क्वेश्चन. अगर प्रॉब्लम आती है सर तो ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंस ऑफ क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस विद अदर्स इज व्हाट रन्स योर पर्सनालिटी रादर देन मेकिंग अनक्लियर अनशेयर्ड एक्सपेक्टेशंस. क्वेश्चन को समझ पा रहे हो आप लोग? आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में बोलूं? एक्सपेक्टेशन बताइए. मैंने निजर एक्सपेक्टेशन था कि सर शेयर करा जे जार साथ ही होक जितना हमें की एक्सपेक्ट कोर्सी जितना शेयर करा था ही तो ना कि शेडा के निजर मोने देखे भाबा जे अच्छा ये जो दिया कोर्ट बात तो हमारे जनों भालो हो तो कैनो कर लो ना मैं तो हमें तो अपने मुखड़े बोली ही नहीं जेटा. एब्सोल्युटली गाइस, मैं बता रहा हूँ मैं क्या इसमें बोलना चाहता हूँ. मैं इसका क्वेश्चन है ये, मैं हमेशा अपना एक्सपेक्टेशन क्लैरिफाई करता हूँ. मैं जो भी एक्सपेक्ट करता हूँ मैं सामने वाले को बोल देता हूँ कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ. मैं छुपा के नहीं रखता. ऐसा क्या होता है, ज्यादातर कैसा होता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सामने वाला मेरे लिए करे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी बीवी करे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा पिताजी करे, पिताजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बेटा मुझे देखेगा, लेकिन कोई किसी को बोल नहीं रहा है कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सब सोच ही रहा है, सोच रहा है कि मैं तो, ये तो नॉर्मल है ना, मैं एक्सपेक्ट करना तो नॉर्मल है. हाँ नॉर्मल है, लेकिन बोल दो भाई सामने वाले को. सामने वाले को तो पता नहीं है. आप सोच रहे हो नहीं, सामने वाले को तो पता होना चाहिए. अरे भाई इतना कन्फर्म मत हो जाओ, सामने वाले को क्लैरिफाई कर दो भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा देखभाल करोगे, तो मैं चाहता हूँ, तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया. अब तुम करोगे कि नहीं है तुम्हारे बारे में. मैं चाहता हूँ कि सुबह 8 बजे तक तुम ब्रेकफास्ट बना दो. अब तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे वो तुम्हारे बारे में, तुम देख लेना. लेकिन मैं सोच रहा हूँ 8 बज रहा है, वो अभी तक खाना नहीं दी. अब 8 बजे तक वो खाना नहीं दी, 8:05 में खाना मिला, मैंने खाया नहीं, मैंने ऐसे ही ऑफिस से निकल गया, ऑफिस के लिए निकल गया. अब हजवाइफ को कहां से पता चलेगा भाई 8 बजे तक ही देना था. तो गाइस क्वेश्चन ये है कि मैं अपने एक्सपेक्टेशंस को, मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूं, ऑफ कोर्स मैं हमारा परिवार है, हमारा दोस्त है, हमारी वाइफ है, जो भी है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं. और वो तो मेरा, हम लोग बोलते हैं कि अर्धांगिनी, जो मैं सोच रहा हूँ वो भी सोच रही है. ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. ये हमें लगता है ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब नहीं होता है. प्रैक्टिकली हम जो सोच रहे हैं मुझे आपको बोलना है. अगर मेरे को किसी, मतलब मेरे हिसाब से कोई अगर नहीं कर रहा है तो मैं उसे सामने जाके बोलूंगा कि मैंने सोचा था कि आप ये करोगे लेकिन आपने किया नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है ना, आप क्लैरिफाई कर रहे हो, आप पहले से नहीं सोच रहे हो कि जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा. नेवर थिंक एनीथिंग, जस्ट जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, गो एंड शेयर, क्लैरिफाई करो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये करोगे. वेरी सिंपल सर. पहले से yes. अगर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, हम अगर हमारे को जीरो लेवल एक्सपेक्टेशन में रखते हैं तो तब तो ऑसम है, तब तो लाइफ, मैं तो उस लेवल में जा ही नहीं रहा हूँ, वो तो सबसे बेस्ट लेवल है. लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो भाई संसार में है हम लोग, सबसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है, तो मैं उस कंडीशन में सोच रहा हूँ कि अगर एक्सपेक्टेशन है तो मैं वो क्लैरिफाई कर देता हूँ कि भाई मेरे को तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है. मतलब सर अगर आप ये मेरे लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर नहीं भी करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मतलब ऐसा, मतलब कुछ नहीं है. लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ, देखो लेकिन क्या होने से अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि वो ये करे, तो मैं चाहता हूँ कि वो करे, तो मैं उसको बता दूंगा मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे लिए करे. मैंने भी अपने पापा के लिए किया है, लेकिन मैं
मैं उस वो अगर नहीं करेगा तो मैं उसके लिए लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उसको क्लैरिफाई जरूर कर दूंगा कि मुझे अच्छा लगेगा बेटा अगर तू मेरे लिए करे, फिर उसके ऊपर है वो करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने दिमाग में बात नहीं रखूंगा, मैं बोल दूंगा। सर कैन आई से समथिंग? या निशा जी। सर अगर सोनी जी ने उस दिन आपको सिर्फ इतना बोल दिया होता कि सर फेसबुक चेक कीजिए तो इतनी सारी प्रॉब्लम आगे नहीं होती, शी वाज एक्सपेक्टिंग कि आप उनको बर्थडे विश करेंगे, बट आपका ध्यान नहीं गया किसी वजह से, तो सिर्फ इतना होता कि मेरा फेसबुक चेक कीजिए तभी आप चेक कर लेते। नहीं नहीं बात देखो, आप जो बोल रहे हो वो एक पार्ट है, बात हाँ नहीं नहीं आई एम जस्ट टेलिंग, मतलब हमारा ये छोटी छोटी बात में ज्यादा होता है। हाँ आई एम टेलिंग कि ये छोटी छोटी बात में ज्यादा होता है। एब्सोल्युटली। तो देखो क्या होता Actually, है, I have seen one video की like husband is expecting की मेरी वाइफ ये करेगी, वाइफ इज एक्सपेक्टिंग की मेरे हस्बैंड ये करेंगे, लाइक दैट। तो हम लोग एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं और हम लोग बताते नहीं है, तो दैट इज क्रिएटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स। एब्सोल्युटली। दैट इज द रीजन। आप सोचो आप लोगों ने मिलके मेरा बर्थडे कितना बड़ा सेलिब्रेट किया, मुझे अब बोलो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। अगर आप नहीं करते मेरे बर्थडे में विश, तो क्या मैं एक एक करके सबको कॉल करता भाई मेरे को क्यों विश नहीं किया? थिंक अबाउट इट भाई, आप करोगे तो अच्छा है, आप ना नहीं करोगे तो इट्स ओके यार, सब अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। पता नहीं आप सर ये कैसे बोल रहे हो कि सब अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती। जब हम एक्सपेक्टेशन तभी होता है जब मेरा कनेक्शन उसके साथ इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो सर सबके साथ तो ये रिलेशन नहीं बन पाता ना। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, उस दिन इवन मेरे बर्थडे में इतने सारे रिलेटिव सबने तो मुझे विश नहीं किया, सिर्फ मेरे फादर वाली फैमिली ने सबने किया। सो गाइस आप लोगों का आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा कि एवरी टाइम आप क्लैरिफाई करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम या सम टाइम्स रेयरली और नेवर, यू नो योर एबिलिटीज एंड फील कॉन्फिडेंट, अदर्स नेगेटिव कमेंट डू नॉट अफेक्ट यू। आप खुद को जानते हो, लोग आप पे जो भी कमेंट करते हैं नेगेटिव, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो वॉट यू आर। आई नो वॉट आई एम, अदर्स नेगेटिव कमेंट डू नॉट अफेक्ट मी, ऐसा आप हमेशा सोचते हो या ज्यादातर सोचते हो, तो जो भी आपका आंसर है वो आप लिख सकते हो। हेलो सर। यस सर, एक बार और इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कीजिएगा। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मेरी एबिलिटीज क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो दूसरे आके जब मुझे बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता या कुछ भी कमेंट करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्या हूं। तो ये हम मुझे हमेशा पता है, या ज्यादातर समय मुझे ऐसा ही लगता है, या कभी कभी। ओके गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू फील मोस्टली फाइन इवन व्हेन यू आर अलोन। जब आप अकेले भी होते हो ना तो मस्त रहते हो। मैं जब अकेला रहता हूं ना तो मस्त रहता हूं, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमेशा आपको ऐसा लगता है अकेले, आप जब अकेले रहते हो तो भी आपको मस्त लगता है। सब रहते हैं वो भी अच्छा लगता है, लेकिन अकेले भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर योर पास्ट मिस्टेक एंड डू द सेम जस्टिस फॉर अदर्स टू व्हेन दे डू एनी मिस्टेक। आप खुद को भी माफ करते हो अपने गलती के लिए और दूसरों को भी माफ करते हो उनकी गलती के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा गलती हो आप लोगों को माफ कर देते हो, आप लोगों को माफ कर देते हो। हो ही सकता है गलती यार, चलो यार इतना मत सोचो, बिंदास रहो एकदम, इतना टेंशन नहीं होता ही है, गलती होता है, इंसान से होता है गलती। So you forgive everyone. Okay, sir, so Hamesha. Sir. हाँ. Sir यहाँ पे question है आप. हाँ पूछो पूछो. हाँ आपने जो बोला कि लोगों से जब गलती होता है तो हम इजीली माफ कर सकते हैं या नहीं, तो जो गलती करता है अगर उसको नहीं पता चलता कि हम गलती कर रहे हैं
कर रहे हैं या कर रही है वो गलती, और वो अगर सोचा है हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तब क्या होता है, तब हम लोग मतलब जो उसके साइड से मिलता है ना तो वैसा लगता है कि हाँ वो लोग सही है, लेकिन मुझे तो मेरा लाइफ में वो गलती हुआ उसके तरफ से, तो मुझे तो लगता है कि वो उसने बुरा किया, तब क्या करे सर? या बुरा किया बट ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, ज्यादा सोचेंगे तो और दिमाग को खराब करेंगे, तो अच्छा है ना उसको माफ कर दो। होता है कभी कभी वो अलग इंसान है यार, उसको पता नहीं उसने क्या गलती की, माफ कर दिया चलो जाओ। इतना 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 मत सोचो वो क्या सोच रहा है, उसके लिए क्या सही है, मैंने माफ कर दिया, इतना उसको पकड़ के रखना ही नहीं है दिमाग में मेरे को, मैंने माफ कर दिया, जो भी किया उसने गलत किया था बट ठीक है माफ कर दिया, टाइम को क्यों वेस्ट करे, माफ कर दो, अच्छा रिलेशन रखे उस इंसान के साथ। ओके सो आप लोग को क्या ऐसा हमेशा लगता है, क्या माफ कर देते हो आप? यू रेस्पेक्ट अदर्स थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव एंड बिलीव इन डिस्कशन नॉट इन आर्ग्यूमेंट। आप लोगों को रेस्पेक्ट करते हो और डिस्कशन में भरोसा करते हो, आर्गुमेंट पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो। आप डिस्कस करते हो कभी कोई अगर बात में, मैं अलग आप अलग हो तो उसमें डिस्कस करते हो, आप आर्गुमेंट नहीं करते हो कैसे किया तुमने ऐसा, नहीं यू डिस्कस कैसे हो गया ये, यू ऑलवेज डिस्कस विद पीपल, आर्गुमेंट पे आप नहीं जाते हो। तो हमेशा ऐसा करते हो या ज्यादातर या कभी कभी? ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट। Your family has got your love, support and time specially even during your busy schedule. आपके family या आपके जो loved ones हैं, उनको हमेशा आपका समय मिलता है, आपका support मिलता है, आपका presence मिलता है। आप busy भी रहते हो तो अपने family के बारे में सोचते हो, उनको समय देते हो, हमेशा देते हो, ज्यादातर देते हो, कभी कभी देते हो। Okay. Next, you live the way you choose. तो, yes. अगर mostly देते हैं तो, हाँ तो फिर mostly देते हैं तो मतलब ज्यादातर देते हैं जी, तो आपका B आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, आराम से घर पे लिखिएगा, अभी बस आंसर पे फोकस कीजिए। You live the way you choose and let the others do. आपको जैसे जीना है आप वैसे ही जीते हो, और दूसरों को भी जैसे जीना है आप उनको जीने देते हो। आप किसी को चेंज नहीं करते, आप किसी को फोर्सफुली नहीं बोलते कि तुम ऐसा बनो तुम ऐसा करो, जैसे आप हो वैसे वो है, तो आप हमेशा लोगों को चेंज नहीं करते हो, वो लोग जैसे जीना चाहते हैं उनको जीने देते हो। বাট স্যার যদি মানে কখনো কখনো দেখি দেখা যায় যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে যেভাবে উনি আছে বা যে আছে কিন্তু মানে ঠিক না, সেটা হয়তো अगर कोई ठीक नहीं है মানে এফেক্ট করবে তার লাইফ। ওকে अगर मुझे लगता है कि कोई ठीक नहीं कर रहा है, नहीं तब क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई आप ये ठीक करो, लेकिन मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता कि करना ही पड़ेगा तुमको, आई नेवर फोर्स एनीवन। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो सही रास्ते में चले, लेकिन बाकी उस पे छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा काम है उसको बताना। यस लाइक माने আমার ছোট ভাই আর ভাইরা আছে সো আমি ওই হিসাবেই কথাটা বললাম। हां आपका काम है, आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई ये सही है ये गलत है, मुझे लगता है कि तुमको नहीं जाना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। उससे क्या होगा, या तो सामने वाला समझ जाएगा या तो सामने वाला आपके अगेंस्ट जाएगा। जब वो आपके अगेंस्ट जाएगा और उसको वो प्रॉब्लम फील होगा समझ तो रियलाइज करेगा कि आप सही थे, वो आपके पास आएगा, आपका रिलेशनशिप और बेटर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंसान सही हो जाता है और हम गलत हो जाते हैं। इसीलिए किसी को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके नेक्स्ट
you believe whatever happening in your life has really been created by yourself, nobody should be blamed. आपको लगता है कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके वजह से हो रहा है और आप किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं करते हो. जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, पर्सनली, प्रोफेशनली, जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है उसके लिए मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता हूं. हमेशा मुझे ऐसा ही लगता है या ज्यादातर मैं ऐसा ही करता हूं. क्या कभी कभी मैं ब्लेम कर भी देता हूं लोगों को कि क्यों किया तुमने ऐसा. तो थिंक अबाउट दैट. ओके, हम लोग काफी करीब है अपने लास्ट क्वेश्चन के. When you are not happy about something, you change it. If you can't change it, you accept it. आपको जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको चेंज करने जाते हो. अगर वो चेंज नहीं हो सकता तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि आप अभी उसको चेंज नहीं कर सकते. पर्सन, हाँ, पर्सन एज ए पर्सन चेंज करना या फिर किसी चीज को. किसी इंसान को तो चेंज हम कर ही नहीं सकते. हाँ, वो तो नहीं हो पाएगा. राइट. कोई भी चीज को मैं अगर चेंज कर पाऊं, जैसे मैं एक लड़का हूं तो मुझे अचानक से लगा नहीं मैं लड़की होने से बेटर होता, तो उस पे तो मैं कुछ कर नहीं सकता. तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो भी हूं मैं बेस्ट हूं. जैसे ऋतिक रोशन का 11 उंगली है, राइट, एक उंगली एक्स्ट्रा है. अब वो तो चेंज नहीं कर सकता, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है जो है वो एक नया स्टाइल है. तो क्या आपको क्या लगता है कि आप भी ऐसा ही करते हो? जो चेंज कर सकते हो करते हो, जो चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको उसको कोई परेशानी नहीं होती उससे? ओके ओके गाइज, वी आर गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट but most important question. Whenever you are asked how are you, you respond super positively and energetically. आपको कभी भी कोई अगर बोलता है भाई कैसे हो, आप बहुत अच्छे से आंसर देते हो, बहुत जबरदस्त आंसर देते हो, बहुत बड़ा आंसर देते हो, और फाइन गुड ऐसा आंसर नहीं देते हो. आप बहुत धमाकेदार आंसर देते हो. मैं बहुत अच्छा हूं, मैं awesome हूं, मैं wonderful हूं. आप ऐसा आंसर दे एनर्जी के साथ. अभिषेक, हाउ आर यू? मुंह से बात ही नहीं निकल रहा है यार. गुड सर. लग गया यार, लग गया यहाँ पे, लग गया. गुड बोल दिया ना तो जोर से. Yeah, Rishita, how are you? Awesome, sir. Awesome. Manoshi, how are you? Superb. Superb. Archana, how are you? Awesome, soft, sir. Oh, awesome. Archana ji, aapne to bola tha 24 ghanta hum log khush nahi reh sakte, abhi awesome sauce. Huh? Actually, खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब कोई पूछेगा तो खुश बोलना पड़ता है ना. कर दिया ना चॉकलेट. मतलब आप बोल रहे हो कि ये जो, इसका मतलब आपने जो अभी ऑसम सॉस बोला ये दिल से नहीं बोला, ये बस सुनाने के लिए बोला? नहीं सर, अभी तो दिल ही से बोले. तो दिल से हमेशा बोलिए, 24 घंटे बोलिए आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम सुपर्ब, तभी तो आप सुपर्ब बन पाओगे. दिन भर मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरा लाइफ अच्छा नहीं है. अर्चना जी बोलिए. लोग खुश नहीं बोले 365 दिन कोई खुश नहीं रहता है, कभी ना कभी तो. देखो खुशी पूरे साल में प्रत्येक दिन कोई खुश. आप दूसरों की बात मत करो, आप बोलो कि मैं खुश नहीं रह सकती. आप ये नहीं बोलो कि कोई खुश नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तो 24 घंटे खुश रहता हूँ. आप दूसरों के बारे में मत, मतलब खुद आप अपने बारे में करता है वही तो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है. मैं खुश रहता हूँ, बिंदास रहता हूँ. आप 24 घंटे में कभी भी मेरे को कॉल कीजिए, बोलिए सर कैसे हैं, रात को 12 बजे, रात को 3 बजे, सुबह के 6 बजे, सुबह के 10 बजे, कभी भी फोन कीजिए.
कैसे हैं, एक बार गलती से भी बोल दीजिए आप कैसे हैं, एंड यू विल लिसन माय आंसर। नहीं कैसे हैं तो इसको तो बोलेंगे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं अगर हॉस्पिटल के बेड में भी रहूंगा ना तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा हूं मैं। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो बोलूंगा वो दिमाग में क्रिएट होगा। मैं बहुत अच्छा बोलूंगा तो दिमाग में बहुत अच्छा एक 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 पिक्चर आएगा। आप लोगों ने कभी लाल हाथी देखा है? लाल हाथी, लाल हाथी नहीं देखा आपने? लेकिन सब लोग दिमाग में ही देखा है लाल हाथी। अभी दिमाग में सभी बना रहे हैं लाल हाथी को। सबके दिमाग में अभी लाल हाथी कुछ सेकंड के लिए चल रहा था। इसका मतलब क्या है कि हम लाल हाथी हकीकत नहीं है लेकिन लाल हाथी को हम दिमाग में बना सकते हैं। वैसे ही मेरा लाइफ झंड हो सकता है लेकिन फिर भी मेरे को घमंड हो सकता है, राइट? मैं मेरे पास खुशी हो सकती है क्योंकि जब भी मैं बोलूंगा कि मैं ऑसम हूँ, मेरे दिमाग में पिक्चर ऑसम का आएगा और एक स्माइल आएगा। जैसे स्माइल आएगा मेरा बॉडी बोलेगा मैं खुश हूँ, मेरा बॉडी को लगेगा मैं खुश हूं। मतलब ये होता है ना अपनी जिंदगी को धोखा देना, बोल जिंदगी तू मुझे दुख दे रहा है लेकिन मैं हमेशा खुश हूं। ऐसा चैलेंज करो अपने अपने जिंदगी को, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, को कुछ भी हो जाए मैं खुश हूं। देखो अब इसके साथ ना ये एग्जांपल मत बैठाना कि सर अगर किसी कोई अगर लाइफ से चला जाए, कोई अगर किसी का देहांत हो जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूं, नॉर्मल लाइफ। यहाँ पे डेथ को मत लाना, बस डेथ एक अलग चीज होती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ हियर। हाँ मैं एक नॉर्मल सिचुएशन में खुश होने की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा खुश रहता हूं, 24 घंटे खुश रहता हूं, बाकी समय तो मैं सोता हूं, तो सोते हुए भी मैं खुशी होता हूंगा शायद, ऐसा मेरे को मानना, मेरे को लगता है। और बाकी तो मेरे हाथ में है। हाँ बिमला जी, जब प्रॉब्लम आती है उस समय तो आदमी खुश नहीं हो सकता ना। अरे मैं खुश होता हूँ इसीलिए प्रॉब्लम छोटा दिखता है मेरे को। मैं जब खुश होता हूँ मेरे लिए प्रॉब्लम छोटा हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो बोला ना, अगर मैं प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकता हूँ तो मैं दुखी क्यों हूँ, और अगर मैं प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं कर सकता तो भी दुखी क्यों हूं, क्योंकि दोनों केस में तो मेरा खुशी पे इधर उधर नहीं होना चाहिए। यस सर, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है हाँ तो उसके साथ एक एक समाधान जरूर रहता है। डेफिनेटली देखो अगर समाधान है तो हाँ, दुखी हाँ, क्यों हूं, तो जब समाधान, अगर समाधान है ही नहीं तो भी दुखी क्यों हो, फिर तो दुखी और ही नहीं दुखी होना है मेरे। देखो मैं जो बोल रहा हूँ गाइस, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता है कि बहुत लोग शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वहीं पे डिफरेंस है। एक बार एक्सेप्ट करो लाइफ तभी चेंज होगा। आज यहाँ पे हम लोग कितने जन हैं? हाउ मेनी पीपल आर हियर? 16 पीपल आर हियर, 16 जन है। ये 16 जन कुछ अलग बन सकते हैं हम लोग, जो दूसरे भीड़ से अलग सोचते हैं। दूसरे लोग अभी मौका खोज रहे हैं, कुछ मौका आएगा और वो स्माइल करेंगे, वो खुश करेंगे, वो खुश होंगे। हम लोग 16 थोड़े अलग हो सकते हैं ना। हम लोग रीजन की क्यों इंतजार करें? आप सोचो अगर एक रीजन से हम खुश होंगे वो रीजन तो ज्यादा देर नहीं रहेगा, तो हम फिर से दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम खुश होंगे विदाउट एनी रीजन, तब सोचो फिर हम लोग 24 घंटे खुश रह सकते हैं। 24 घंटे वो लोग खुश नहीं रह सकते जो लोग रीजन का इंतजार करते हैं, और जो लोग रीजन बनाते हैं ना वही लोग आगे जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो चूज करता हूं मेरे को 24 घंटे खुश रहना है, तो मेरा खुश रहने का जो टेंडेंसी है ना वो आप लोगों से ज्यादा रहेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, आप डिसाइड करो भाई। आज बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग ने क्लास को किया। अब सो गाइस सारा क्वेश्चन डन है, अब आपका स्कोर।
आप लोगों का जो जो आंसर में एवरी टाइम है उसमें उसको 5 समझो, जो आंसर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम है उसको 4 समझो, समटाइम्स को 3 समझो, रेयरली को 2 समझो और नेवर को 1 समझो. और सारे मार्क्स को लिखो और सारे मार्क्स को ऐड करो. तो गाइस दिस इज द टाइम ऑफ रिजल्ट्स. आप लोगों में बहुत लोगों ने 90, 80, 95, 64, 83 बहुत सारे नंबर्स मुझे अभी दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे. तो अभी आप लोग देखो कि जिसका भी मार्क्स आया है 105 से 125 के बीच, एज पर द स्कोर दे आर हाईली हैप्पी पीपल. उनके बारे में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो. जिनका भी मार्क्स 105 से 125 के बीच में है, They love their lives, lives and feel that वो अपने एक लाइफ को पसंद करते हैं और उनकी लाइफ अच्छी चल रही है. परफेक्ट नहीं भी हो सकता है लेकिन फिर भी उनको लगता है कि लाइफ अच्छा चल रहा है. चैलेंज एंड ग्रोथ साथ ही साथ चल रहा है बट वो लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ. ये 105. सो 105 में मानुषी के साथ और कौन कौन है? हंड्रेड फाइव में सबरीन भी है और मानुषी है, दोनों दिख रहा है. रिशिता योर इज 94. ओके अब देखते हैं नेक्स्ट. 90 से 105 जो है ना ये लोग हैप्पी इंसान है, ये एवरेज हैप्पी है. मतलब हाँ ये लोग खुश है, कभी कभी वो लोग दुखी हो जाते हैं जब कुछ खराब होता है और खुश भी होते हैं. So they are happy people. Situation जैसा होता है वो लोग वैसे ही बनते हैं. They are happy. So I think ज्यादातर आप लोग इसी में आ रहे हो. बहुत लोग ज्यादातर अनिल जी, स्मृति, कस्तूरी, दीपांशी ये सारे इसी के बीच आ रहे हैं. रिशिता मैं भी तो सर. हाँ हाँ वही मैं, रिशिता, स्मृति, दीपांशी. हाँ सो मतलब जैसा जैसा होगा वैसा वैसा करेंगे. खुशी वाला मौका आएगा तो खुश हो जाएंगे. एंड मी. हाँ हाँ बहुत लोग बहुत लोग. लेकिन आप लोग में शायद कुछ लोग होंगे जो 75 से 90 के बीच में होंगे. उनके लाइफ में शायद कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा इसीलिए वो खुशी को फील ही नहीं कर पा रहे हैं. थोड़ा सा खुश है जितना रहना चाहिए, ज्यादा खुशी उन्होंने शायद वो फील नहीं कर पा रहे हैं. शायद कोई जरूर कुछ प्रॉब्लम है लाइफ के किसी जगह पे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं. ओके 55 to 75 दे आर बिलो एवरेज हैप्पी. बिलो एवरेज मतलब एवरेज भी नहीं, बोलो बिलो एवरेज. कभी कभार वो लोग खुश हो जाते हैं. हो सकता है उनके लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन चल रहा है. बिलो एवरेज मतलब गुड भी नहीं, एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज. थर्टी फाइव से फिफ्टी फाइव आई डोंट थिंक कि ये सब आपको दिखाना चाहिए लेकिन आप लोग भी देख लो. 35 से 55 है सैड. दिस पीपल आर सैड पीपल. वो लोग पूरी जिंदगी एक सैडनेस के साथ गुजार देते हैं.
किसी का वेट करने में या कुछ भी हो सकता है लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है उनको, और उससे भी खतरनाक है बिलो 35, एक्सट्रीमली सैड एंड डिप्रेस्ड, बहुत ही डिप्रेस्ड है। आई थिंक जो लोग आज एक्सट्रीमली सैड एंड डिप्रेस्ड हैं, उनको और इससे पहले में जो सैड हैं, इवन जो बिलो एवरेजली हैप्पी हैं, मुझे लगता है इनको इनको एक काउंसलिंग सेशंस की जरूरत है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे लेकिन उसमें भी अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी हो जाए खुशी तो इम्पोर्टेंट है, राइट? ओके, so guys we have come to the end point. There are many reasons, you know, to be happy. If you have any, then it is good. If you don't have any, it's rather better. Agar aapke paas khush hone ke karan hai to achhi baat hai, agar khush hone ke karan nahi hai to aur achha hai, kyunki ye jo reason hai wo zyada din nahi rehta hai. So the best is be happy for no damn reason. इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अपने आप को खुश रख पाओगे. Be happy for no damn reason.